असलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। PUBG मोबाइल का न्यू इवेंट आ चुका है, इवेंट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आपके भाई का स्ट्रीमिंग सेटअप एकदम कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह कल से या परसों से आप लोगों को लाइव स्ट्रीम डेली देखने को मिलेगी। रात को 10 से लेकर रात को 2 या 3 बजे तक हम लोग लाइव स्ट्रीम किया करेंगे। एंड नेक्स्ट सीजन आपका भाई लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही रैंक पुश भी करने वाला है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, आप लोग ज्वाइन कर लिया करना। बात करते हैं इस इवेंट की, तो भाई PUBG वालों में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उससे पहले यार एक दो अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं। मतलब यार पिछले सीजन में इवेंट का ये सीन था कि इवेंट सिर्फ एक ही जगह पे था, अगर आपका प्ले लाइन उस पर नहीं बनता था तो हम लोग उस गेम को लीव कर दिया करते थे, दोबारा लगाते थे, एंड हमारा मैरिट तो एकदम सही बात है तबाह हो जाता था। इस बार इवेंट की अच्छी बात है, हमें तीन तीन जगह पे ऑर्ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये स्नाया के अंदर ऑर्ड्रॉप दिया, प्रिजन के अंदर ऑर्ड्रॉप दिया, एंड जोर्जो सिटी के अंदर भी ऑर्ड्रॉप दिया है। लेकिन यार सही बताऊं तो ये किसी काम का इवेंट नहीं है। इसके अंदर भाई इतनी कैंपिंग है लाइक जो आपकी स्किल्स है ना, जैसे आपका प्री फायर होगा, पीक फायर होगा, वो तो एकदम बेकार है। इसके अंदर चलने वाली है कैंपिंग एंड दबा दबा के कैंपिंग। ना आप किसी के ऊपर पुश कर सकते हो, ना कोई आपके ऊपर पुश कर सकता है। भाई एक जगह बैठ जाना, जिधर उधर गए उधर ही बैठ जो, चुप करके वहां से हिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मतलब यार ये कैसा इवेंट है, मुझे तो पुराना टाइम याद आ रहा है कि जब इरेंगल में इवेंट नहीं हुआ करता था, उस टाइम रैंक पुश करने का सबसे ज्यादा मजा आया करता था। उस टाइम बिल्कुल भी रिकॉल नहीं होता था, एंड अगर आप लोग गलती से मरते थे तो वो आपको माइनस पड़ता था। अब क्या होता है कि भाई अगर आप लोग मर जाते हो तो आपको रिकॉल मिल जाता है, एंड इसके ऊपर इन्होंने तीसरा रिकॉल भी डाल दिया है, तो भाई रैंक पुशर्स के तो एकदम मजे हो गए हैं। आपका यकीन करो कॉन्करर एंड उस टाइम का एस ज्यादा मुश्किल होता था आजकल के कॉन्करर से। ये मेरा एकदम फेयर रिव्यू था इस इवेंट के ऊपर, एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस इवेंट को खेला तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग को ये वाला इवेंट कैसा लगा। खैर अब इवेंट आ गया, गेम समय प्यार है तो खेलना तो पड़ेगा ही, एंड इसी इवेंट के अंदर आपका भाई नेक्स्ट सीजन लाइव स्ट्रीम के ऊपर रैंक पुश भी करने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर दिया करना। डेली रात को 10 बजे से लेके 2 या 3 बजे तक हम लोग स्ट्रीम किया करेंगे, वो भी इसी चैनल के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्रूजर पे फिर आपने सेकंड चैनल क्यों बनाया, तो यार देखो सेकंड चैनल के ऊपर आपको एक डिफरेंट किस्म का कंटेंट देखने को मिलेगा। उधर आपका भाई सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्लिचेस को अपलोड करेगा, बगैर वॉइस ओवर, बगैर म्यूजिक, किसी भी चीज के बगैर। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इस इवेंट की सबसे खराब बात मुझे ये लगी कि भाई सारे घर इतने ज्यादा करीब बनाए हुए ना, एंड एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर तीसरा, आपको किसी बंदे के क्लियर फुटस्टेप मिलते ही नहीं है। जैसे अब मेरे ऊपर ये बंदा कैंप लगा के बैठा हुआ होता है, मुझे इस बंदे के बिल्कुल फुटस्टेप नहीं आते। खैर मैं इस बंदे के ऊपर पुश करने की सोचता हूँ, जैसे ही मैं इस बंदे के ऊपर पुश करने वाला हूँ ना, यहाँ पे मुझे एक दोबारा से हार्ट अटैक देखने को मिलने वाला है। ये देखो भाई ये बंदा छत के ऊपर बैठा हुआ है, एंड इस बंदे का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो भाई इस इवेंट में काफी ज्यादा कैंपिंग होने वाली है। खैर इवेंट से बाहर निकलते हैं, आते हैं हमारे क्लचेस के ऊपर। भाई बंदा बग्गी का टायर फाड़ देता है, जैसे तैसे करके इस बंदे को सस्ता सा रिफ्लेक्स मार के यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ। सामने इसके दो टीममेट्स हैं, एंड भाई यहाँ पे मेरी एचपी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, बट यहाँ पे आपका भाई हील लगाने में कामयाब हो जाएगा। एंड देखो फिर आपका भाई इन बंदों के साथ क्या सीन करने वाला है। स्मोक का अच्छे से यूज करता हूँ, एंड दूसरे बंदे को भी यहाँ पे मैं आराम से डाउन कर देता हूँ। अब बचा एक ही बंदा, तो चलो यार इस बंदे को भी जल्दी से निपटाते हैं। इधर इस बंदे में मैं इतने प्री फायर्स खोल दूं कि ये बंदा घर छोड़ के पीछे भाग जाता है। कहते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एंड ये वाला क्लच होने वाला है हमारा एक इंडियन स्क्वाड के ऊपर। इधर मैं बड़े मजे से लूट कर रहा हूँ, एंड मेरे टीममेट को ये बंदे यहाँ पे नॉक फिनिश करा देते हैं। लूट भी जरूरी थी क्योंकि यार मेरे पास कोई गन वगैरह नहीं थी। खैर इधर अब 1v3 का सीन है, एंड इधर ये तीनों बंदे यहाँ पे एक साथ पुश करने की सोचते हैं। ओ भाई तीनों बंदों के यहाँ पे प्री फायर पड़ता है, एंड आराम से आपका भाई डाउन कर देता है, एंड लगा तो फिनिश भी करा देता है क्योंकि यार मुझे लूट वगैरह भी चाहिए होती है। जल्दी से मैं अपने आपको किट मारता हूँ, एंड साथ इनका लास्ट टीममेट यहाँ पे पुश करा देता है। ये गाइस इसी के साथ आपके भाई का 1v4 होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फाइट के ऊपर, एंड ये वाला क्लच काफी ज्यादा मजे का होने वाला है क्योंकि यार ये वाला क्लच किसी नॉर्मल क्लासिक मैच का नहीं है, ये कस्टम रूम का क्लच है, तो काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। इधर ये बंदे काफी ज्यादा ध्यान से फाइट ले रहे होते हैं। अभी तो ये सिर्फ दो बंदे होते हैं, एंड बाकी के दो टीममेट्स भी इनके यहाँ पे आने वाले हैं।
एक बंदे को इधर मैं डाउन करता हूँ एंड बगैर वेट के चलो यार दूसरे बंदे पे यहाँ पे पुश करते हैं। इधर इनके बाकी टीममेट्स भी आ जाते हैं एंड देखो इन्होंने मेरे टीममेट्स को फिनिश किया तो इनके टीममेट्स को भी यहाँ पे मैं फिनिश करा देता हूँ। बाय 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 क्या बचता हूँ इधर मैं एंड एचपी मेरी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है, जल्दी से किट मारते हैं। नहीं भाई बंदा पुश कर रहा है, क्या मैं इसे मार पाऊंगा? ओ भाई साहब ये बंदा एक भी गोली नहीं मार पाता है एंड आपका भाई इसको यहाँ पे आराम से पेल देता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट 1v5 की तरफ। 1v5 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक किल में पहले चोरी करने वाला हूँ, पता नहीं किसने नॉक किया था, खैर यहाँ पे मैं किल चोरी कर लेता हूँ। सामने मेरी एक टीम होती है नेड करने की, ओ भाई मेरे भी नेड आ जाते हैं एंड एचपी मेरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। एक मोलोटोव कराता हूँ ताकि यार इस साइड से कोई बंदा मेरे पे पुश ना करे एंड मुझे यहाँ पे हील करने का टाइम मिले। हील वगैरह करते ही दोबारा से मैं नेड करने की सोचता हूँ, साथ ही सामने से एक बंदा आता है। इसी के साथ मेरा इनके साथ हिसाब पूरा होता है, नेड करके इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया एंड इस बंदे को मैंने डीबीएस से सरप्राइज दिया। खैर इस बंदे को मैं फिनिश नहीं करता ताकि इसके बाकी के टीममेट्स इसको बचाने आए एंड ऐसा ही होता है, बाकी के इसके दोनों टीममेट्स यहाँ पे पुश करने की सोचते हैं। जग, जग, अरबी हाल में मुझे दुआएं दे रहा था। खैर इन तीन बंदों को मारने के बाद सामने एक बोर्ड आता है एंड इस बोर्ड को मारने के बाद आपके भाई का 1v5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट लॉज के ऊपर। सामने की साइड से पूरी की पूरी स्क्वाड पुश करने वाली है तो यहाँ पे मैं एक प्री कुक नेड करने की सोचता हूँ। कोई भी बंदा नेट से डाउन नहीं होता एंड ये बंदे यहाँ पे मुझे सैंडविच करने की सोचते हैं। पीछे की साइड से एक बंदा पुश करता है एंड बाकी के दोनों टीममेट सामने से पुश करने वाले हैं। ये गाइस पीछे वाले बंदे के सर पे नेट फूटता है एंड बाकी दो बंदों को आपका भाई यहाँ पे एकेएम से निपटा देता है। बढ़ते हमारे आज की वीडियो की लास्ट फाइट की तरफ। पीछे आपके भाई के पूरी की पूरी स्क्वाड पड़ चुकी है। इधर मैं इनको एक से दो चक्कर लगवाता हूँ ताकि यार इनकी गाड़ी कहीं पे रुके एंड हमें एक प्रॉपर फाइट लेने का मौका मिले। अब ये बंदे भी गाड़ी रोक के बिल्कुल हमारे सामने आ जाते हैं। 2v3 का सीन है। एक बंदे को मैं एकेएम से डाउन करता हूं एंड दूसरे बंदे को मेरा टीममेट नेड करके डाउन कर देता है, बट साथ खुद भी नॉक हो जाता है। बट कोई बात नहीं, एक ही बंदा बचा तो 1v1 का सीन है। हाँ ये गाइस तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आपका भाई दोबारा से एक्टिव हो चुका है, इंशाल्लाह आपको एक या दो दिन में लाइव स्ट्रीम्स भी देखने को मिलेगी। तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं आप साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में रहना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।